कोई स्थिति क्या होगी जब हम पूर्ण मुक्त अवस्था में आ जाएंगे? और हृदय एकदम गदगद फूला हुआ, जैसे ही हम लोग श्री पार ब्रह्म परमेश्वर के हृदय में गए तो पूरा हृदय फूल गया हो। बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि बिल्कुल ही जैसे बहुत ही आनंददायी एक कक्ष के अंदर पहुंच गए हो, बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा था और शांत एकदम, जॉय भरा हुआ ठहरे जॉय एकदम। और एकदम ठहराब, बहुत सुंदर स्थिति के बाद, और डायरेक्ट उतर के आप सहस्रार पे आ गए तो लगा कि जैसे कूलर चला हो सहस्रार पे, जोर से सीधा श्री पार ब्रह्म परमेश्वर से सहस्रार पे उतरना सबसे सुंदर कर्तव्य आजकल ध्यान हाँ, में हमको इसमें लगा। तो कोई शक नहीं है, सबसे आनंददायी स्थिति तो यही लगी मेरे को। भैया इन कुछ दिनों से क्या ऐसे कहें कि दो कुछ पीक से ये चल रहा है कि मुक्त अवस्था ऐसे ही है जैसे संपूर्ण रूप से अपने आप को इसी अंतरिक्ष से जोड़ लेना, प्रकृति से जोड़ लेना। ये लोग भी तो मुक्त हैं, सन किसी के, सूरज किसी के बंधन में नहीं, नदियां किसी के बंधन में नहीं, ये अंतरिक्ष किसी के बंधन में नहीं, तो बस इसी के साथ जोड़ लेना है खुद को, इसी की तरह बनना है। ये लोग मुक्त हैं तो हम माना भी अपने आप को बंधन से जकड़ लिए हैं, ये वाला हृदय में एक चिंतन चला। हाँ, ये बात तो है, लेकिन इस मुक्ति का कुछ अलग ही विशेष आनंद नहीं महसूस होता? ऐसा नहीं लगता ये मुक्ति एक अलौकिक सी है? अभी आप लोग गौर करते होंगे कि अब उस लेवल के थॉट्स नहीं है, थॉट्स आते नहीं है, महसूस करते हैं हाँ पूरा सेशन चलता है लेकिन थॉट्स लापता होते हैं, रियलाइज होता है ये? बिल्कुल, विचारों का तो कहीं से आना जाना होता नहीं, संसारिकता का विचार नहीं, और दूसरी एक चीज और लगती है कि इसके साथ में डिटैचमेंट जैसा अनुभव होता है, डिटैचमेंट बढ़ रहा है ना, कंटिन्यूअस। हाँ डे बाय डे ऐसा हो रहा है। अब अंदर क्या आता है, व्हाट वी फील? हम रह तो रहे हैं साथ में, मतलब संसार में रह रहे हैं और अपनी आदतों के बीच में रह रहे हैं, पर किसी से एक प्रेम तो है, पर ये नहीं है कि आप ये भी सोच रहे हो कि आप अलग भी हो, जब तो सारे सोल्स के साथ रहते हुए भी अलग भी हो, आप एकाकी भी हो और साथ में भी हो, ऐसा अनुभव अंदर से आया है। मतलब और एकाकी कोई भी है और साथ में भी है। हाँ, और एकाकी में ज्यादा मजा है जब आप एकाकी में ज्यादा मजा है। धीरे धीरे रहस्य समझ में आने लगेगा, क्योंकि एकाकी एक आवरण है हमारे ही प्रेम का। जैसे एक एग होता है ना, एग के अंदर एक बच्चा होता है, तो समझ लीजिए हमारी चेतना एक बच्चे की तरह है और जो एकाकी है वो एक एग की तरह है। समझ पा रहे हो? हम एकाकी को ऐसे समझ सकते हैं, एक छोटा सा एक कुकून जिसमें बस सुकून से रहती है हमारी चेतना, जिसमें हमारी हाँ, चेतना बहुत सुकून से रह रही है। तो इसमें कितना मजा आता है।
ये तो सबसे सही तरीका है अपने आप चेतना को अलग रखने का, किसी भी घटनाक्रम में इन्वॉल्व होने से बचने का, कोकून वाला है। बस एक्चुअली जब जैसे धीरे 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 करके है इसका अभ्यास होता चला जाएगा ना, तो इस अभ्यास के होने के बाद ये समस्या ही खत्म हो जाती है। हम कहीं कनेक्ट ही नहीं रहते, किसी भी बाहर की चीजों से हम जुड़े ही नहीं रहते हैं। फिर तो बस एक आनंददायी अस्तित्व होता है हमारे अंदर, और उसी का आनंद ले रहे होते हैं हम लगातार। और उसमें रहने में कितना आनंद है। वीडियोस देखे, दो वीडियोस पब्लिश जी, हुए, कैसा लगा बहुत ये? ही अच्छा, तुमने बहुत ही 8वां अच्छा। सेमिनार अटेंड किया था पहले, 8वां वाराणसी हाँ, में, ये कैसा महसूस हो रहा है? ये भी बहुत ही, जो आंसर्स थे वो वाले क्वेश्चन वाला ना, कभी कभी हम लोग ऐसे करते थे, सवाल डाला जल्दी आंसर आया, ऐसे वाला खराब नहीं था वो, क्लियर साथ साथ में किया, एकदम अच्छा आया, एकदम क्वेश्चन डाला, क्योंकि आपने क्लियर किया बहुत अच्छे से कि आप ऐसे बूंद डाल के छोड़ दो, जैसे पानी में एक बूंद डाला छोड़ दिया, तो ये चीजें की और एकदम क्लियरिटी आया इस चीज में, तो जो वहां हो रहा था वो साथ में हम भी ज्वाइन हो जाते हैं, साथ में वीडियोज होते हैं वो साथ हाँ में ज्वाइन करा देते हैं। वो तो देखो सीधी सीधी बात है, कलेक्टिव तो है ही, वो सिंपल कलेक्टिव ही है, शानदार। और वो ऐसी कलेक्टिव है जो सदा सनातन है, जो कभी आउटडेटेड नहीं होती। वैसी ही ऊर्जा मिलेगी हमेशा की तरह, जैसे सब में है वैसे ही वहां भी है। हाँ, अब जैसे यहाँ पहले है, वाली सर, आप देख लो, जूम जैसे का कोई भी सेशन उठा के देख ले, हम लोग फर्स्ट से डे से जूम के 2020 के सेशन उठा ले, वही के वही है, एनर्जी का फ्लो सेम और आपकी स्थिति सेम टू सेम, इतना सुंदर स्थिति बन जाती है, कोई भी वीडियो उठा ले तो उसी वैसे ही है। कोई कोई डिफरेंस समझ में आया अंतर? ये जो अभी 9th वर्कशॉप हुआ, क्या उसमें कोई डिफरेंस नजर आया एनर्जी लेवल पे या कॉन्सेप्ट लेवल पे? अच्छा, अभी तक तो नहीं, अभी तो इंट्रोडक्शन में ऐसा नहीं लगा, और वैसे उसके ही लग साथ रहा है ना। क्लियर। हाँ, सेम, जब आगे का कोई नहीं पता, अंदर लेकिन अभी में अभी तक तो नहीं। मतलब अभी सीधा सीधा ऐसे ही चल रहा है। कन्वर्सेशन के बाद जब मेडिटेशन का सेशन आएगा तो देखते हैं क्या होता है। मेडिटेशन, हाँ आएगा मेडिटेशन भी। बातचीत तो बातचीत ही है। बातचीत नहीं, उसमें मेडिटेशन नहीं बहुत सारे, लगती? नहीं बातचीत बातचीत में मेडिटेशन नहीं बहुत सारे, लगती? बातचीत में ही तो मेडिटेशन आपने कंटिन्यू कराया ना, उसमें ये करके देखिए, वो चीज आत्मा से ज्वाइन करके देखिए, क्वेश्चन करके देखिए, ये सब तो मेडिटेशन में ही आ जाता है, फिर हम लोग अंदर ही तो चले जाते हैं, फिर भीतर उतरना भी इस मेडिटेशन में चले जाना। अभी महसूस कर रहे हो, अभी बातचीत हो रही है, क्या हम मेडिटेशन में है कि बातचीत में है? अंदर की बातचीत हो रही है तो मेडिटेशन में ही है, अच्छा, कोई बाहर का एक विचार नहीं, बात हो रहा है पर हृदय में बात हो रही है, ऐसा फील हो रहा है हृदय में बैठे हो। महसूस करके देखो कि अपने ही हृदय में हम सब बैठे हैं। हम सबको अपने हृदय में महसूस कर रहे हैं और सबके सामने वैसे ही बातचीत कर रहे हैं जैसे वर्कशॉप के अंदर बातचीत करते हैं। सेम महसूस हो रहा है, बाहर भी ऐसे ही लग रहा है, भीतर भी ऐसे ही लग रहा है। डिफरेंस
है ना मजेदार, हाँ इंटरेस्टिंग। बहुत सिंपल थे। हाँ कितना आसान है ना। दोनों ही चीजें जो हैं बहुत सरल है समझने के लिए। ऊर्जा, सेस्त्रार, हार्ट, जैसी ऊर्जा अभी ध्यान के दौरान आ रही थी वैसी ही ऊर्जा बातचीत के दौरान भी चल रही है। ध्यान जैसी अवस्था ही चल रही है, उतना ही सेस्त्रार खिंच रहा है, उतना ही हार्ट खिंच रहा है, उतनी ही विशुद्धि में फ्लो है, उतना ही हमसा में खिंचाव है। आज यानी हंसा कि में बहुत मेडिटेशन, खिंचाव था। मेडिटेशन और बातचीत सब एक ही हो गई है, कोई अंतर नहीं है दोनों में। आज के ध्यान में हंसा में बहुत ही सुंदर खिंचाव और विशुद्धि, और हंसा में बहुत ही सुंदर। खिंचाव इसलिए होता है ना कि भीतर की ऊर्जा बाहर की तरफ जा रही है और बाहर की ऊर्जा भीतर की तरफ आ रही है। जो सर्किट था ना अभी, वो सर्किट अभी भी चालू है एज इट इज। अब हमको ऐसे ही ध्यान का अभ्यास बनाना होगा, खुली आंख में आनंददायी ध्यान चल रहा होगा जैसे अभी चल रहा है। एक अलग ही आनंद है इस ध्यान का। आंख बंद करना भी एक बंधन ही हो जाता है ना, कि हम हाँ, आंख बंद बंधन ही करें। है, बंधन ही है। मतलब किसी चीज को फिक्स नहीं करना है, ना आंख खोलना बंधन होना चाहिए, ना आंख बंद करना बंधन होना चाहिए। बस केवल और केवल एक आनंद का एहसास, यही स्वतंत्रता है। यदि आनंद का एहसास है तो यही एक सुंदर सी स्वतंत्रता है। बाहर से जो भी चीज करेंगे सब बंधन है, और भीतर से जो घटित होगा वो सब स्वतंत्रता है। तो बाह्य बंधन और भीतर स्वतंत्रता, तो क्यों ना एक भीतर के क्वेश्चन, एहसास में भी बाहर की तरफ ऐसे ही रहे भीतर के एहसास को बनाए रखते हुए बाहर में भी बने रहे, तो फिर ये दोनों की दूरी समाप्त हो जाएगी, दोनों एक दूसरे में समा जाएंगे। बाहर भीतर का हिस्सा बन जाएगा और भीतर बाह्य बहुत प्रस्फुटित होगा। एक अलग ही ट्रांस है, एक समाधि जैसी अवस्था आनंद आई। दिस इज रियल समाधि। अभी जिसमें हम हैं यही तो समाधि है। पर मुश्किल ये बाहर है कि भी है अभी भीतर भी है। पूरी आंखें खुली नहीं रह पाती है भाई। जैसे एनर्जी का फ्लो बढ़ता है, आधा ऐसे हो जाता है आंख, वो स्थिति ये नहीं वैसे बन ही हो पाती पूरी जाता है, आंख। ये बिल्कुल वैसे ही हो जाता है जैसे भोलेनाथ जी आधी खुली आंखों में रहते हैं। वो इसी का स्वाद चख रहे होते हैं, इस ऊर्जा का। ये जो ऊर्जा का महसूस हो रहा है ना, यही समाधि को उत्पन्न कर रही है। इस ऊर्जा का एहसास समाधि प्रदान करता है। तो आंखें खुली हैं फिर भी ध्यानस्थ हैं, और ध्यानस्थ हैं आंखें भी खुली हैं।
अर्ध खुली आंखें की रहती है, सही होती है। अर्ध खुली आंखों में वो मंद मंद मुस्काते हैं, सभी साधकों को मदहोशी का एक जाम सा पिलाते, खुद को समाधि में रखकर वो औरों को भी समाधि प्रदान करते जाते, इसीलिए हर साधक उनका सच्चित आनंद कहलाता है। पढ़ाओ। वो उमड़ घुमड़ गई वो लाइने निगेटिविटी की, जो अनुभूति है ना निगेटिविटी, उसकी कुछ लाइनें आ गई इस अवस्था में। हाँ ऐसी एक सवाल है भैया, हम लोग अपने हेल्थ के लिए कोई डिसिप्लिन रखते हैं तो क्या वो भी बंधन में आ जाएगा? किसके लिए डिसिप्लिन? जैसे अपने बॉडी के लिए या हेल्थ के लिए किसी चीज का डिसिप्लिन है, ऐसे जैसे इतने बजे खाना है ये खाना नहीं, 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 नहीं। देखिए, जो शरीर की आवश्यकताओं से संबंधित जितनी चीजें हैं वो बंधन की श्रेणी में नहीं आती, मन से संबंधित जितनी चीजें हैं वही बंधन की श्रेणी में आती है। शरीर आवश्यकता पे आधारित है और मन इच्छा पे, तो इच्छाओं का बंधन होता है, आवश्यकताओं का कोई बंधन नहीं, क्योंकि आवश्यकता की पूर्ति करते हुए विचार नहीं आते और ध्यान में भी विचार नहीं आते। यदि आप दिल से भोजन ग्रहण कर रहे हो, आपको भूख लगी है और आप भोजन ग्रहण कर रहे हो, तो आप महसूस करेंगे तन्मयता के साथ आप भोजन ग्रहण कर रहे होते हो, आपको कोई थॉट नहीं आते। लेकिन जब आप मन से जुड़ते हो तो विचारों का अंबार लग जाता है, तो मन बंधनों को उत्पन्न करता है और तन बंधनों को समाप्त करता है। भाई तन तो आवश्यकता के ऊपर आधारित है ना, अब आप देखिए कि आपको अचानक खांसी आती है, जोर से खांसी आई, कोई विचार आया खांसी के दौरान, छींक आई, कोई विचार आया, यानी कि तन जो है नैसर्गिक घटनाक्रमों का एक माध्यम है या जरिया है। नैसर्गिक घटनाक्रम तन के माध्यम से घटित होते हैं, उस दौरान कोई थॉट नहीं आता। अगर आपको तेज भूख लगी होगी 100% कोई विचार नहीं होगा, आपको केवल खाने का ही विचार आएगा कि मैं जल्दी से खा लूं। अब आप एक्सरसाइज करने चलो, आप एक्सरसाइज करने चलो शरीर का, आप थोड़ा ध्यान दोगे एक्सरसाइज की तरफ, तब भी कोई विचार नहीं आएगा। कहने का मतलब है जो जो प्रकृति ने हमें तन दिया है, इसकी आपूर्ति के लिए जो आप करते हो वो बंधन मुक्त अवस्था है। और मन की आपूर्ति के लिए जो करते हो वो बंधन की अवस्था है। तन की आपूर्ति बंधन रहित है और मन की आपूर्ति बंधन सहित है। अब तन का निर्माण जो है परमात्मा ने किया, इसीलिए विचार नहीं आते, लेकिन मन का निर्माण मानव ने किया इसलिए विचार ही विचार आते हैं। इसका मतलब परमात्मा ने जो चीज बनाई वो आपको निर्विचार कर देती है, और मानव ने
जो मन बनाया वो आपको विचारों के अंबार में फंसा देता है। परमात्मा ने तन दिया जो आवश्यकता के ऊपर आधारित है, और मानव ने मन का निर्माण किया जो इच्छा पे आधारित है। इच्छाओं के कारण हजारों विचार आते हैं। अब हम खाना खा लेते हैं, खाने से पहले तो खाने का एक आध विचार था, बहुत भूख लगी है कुछ खाना है, लेकिन खाने के बाद खाने का विचार नहीं रहा, तृप्त हो गए। अब ध्यान में जाने से पहले ध्यान में जाने का विचार है, लेकिन ध्यानस्थ होने के बाद कोई विचार नहीं है। तो हो गए ना दोनों चीज एक सी, और दोनों ही नैसर्गिक हैं। अब जो तन है वो सोचता कुछ नहीं है, वो वर्तमान को जीता है। तन वर्तमान को जीता है, मन हमेशा भूतकाल को जीता है। महसूस करते हो? तन को आराम चाहिए तो वर्तमान में उसे थकान लगी तो वर्तमान में उसने आराम कर लिया, लेकिन ये दुष्ट मन है जो थकता ही नहीं है, ये रुकता ही नहीं है। तो दोनों विपरीत हैं। अच्छा, शरीर थका हो, बिस्तर पे लेटने पे आराम महसूस करते हैं, चैन महसूस होता है, और जब हम ध्यान में जाते हैं तो भी आराम महसूस करते हैं, चैन महसूस होता है। दोनों समान है ना? लेकिन यदि मन में घुस जाओ तो इतनी बेचैनी पैदा कर देगा, तन भी बेचैन हो जाएगा, ये तन को भी रेस्टलेस कर देता है मन। तो दोनों विपरीत चीजें हैं। तो इसलिए शरीर से संबंधित जो भी इसके पोषण के लिए है उसमें कोई हानि नहीं है, और उससे कोई कंडीशनिंग पैदा नहीं होती, क्योंकि वो उसकी आवश्यकता है। यदि हम सुबह टहलने जाते हैं तो शरीर की आवश्यकता है, शरीर में जंग लग जाएगा तो बंधन नहीं है। और अक्सर आपने देखा होगा कि रोज नहीं टहल पाते, एक दो दिन छुट्टी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि हम ये बंधन मन में बांध लें कि रोज टहलना है, अब मन बेचैन करेगा। शरीर तो भले ही कुछ नहीं कह रहा हो पर मन जरूर तंग करेगा। तो सारे बंधन मन के, तन का कोई बंधन नहीं। अगर तन का बंधन होता, अगर तन का बंधन होता तो तन तो कहता नहीं, मैं तो केवल और केवल घर में ही खाना खाऊंगा, मैं किसी के घर में खाना खाता ही नहीं। पर तन तो ऐसा नहीं है, वो कहेगा अच्छा ठीक है, आज घर में नहीं खिला रहे, कहीं और खिला दो, मैं तो खा लूंगा। उसका कोई बंधन नहीं है। पर हम तन के ऊपर मन का बंधन जब लगा देते हैं, नहीं नहीं हम तो केवल घर में ही खाएंगे, तो ये हमारे मन के बंधन शुरू हो जाते हैं। तन तो कहीं भी खुश है, तन तो रेस्टोरेंट में भी जाके खुश है, वो तो चाउमीन खा के भी खुश है, वो चाप खा के भी खुश है, वो चिकन खा के भी खुश है, कहीं भी खिला लो उसे। तो तन का कोई बंधन नहीं है, क्योंकि ये आवश्यकता के ऊपर आधारित होता है। और वो वाला जो आपको फॉर्मूला है ना, कि जहां बहुत अच्छी लगने लगे कोई चीज तो सतर्क हो जाओ। हाँ, वो तो फिर मन का बंधन पड़ने वाला है। हाँ, फिर मन का बंधन पड़ जाएगा। अब शरीर है, अब शरीर को कोई सी भी ड्रेस पहना दो, ये तो आपसे कुछ कहता नहीं। कहता कौन है? ये आपका मन ही कहता है, ये वाली नहीं पहननी,
तन तो मना नहीं करता पहनने के, वो तो कहता कुछ भी पहना दो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तंग कौन करता है? मन, क्योंकि बंधन मन पे पड़ा हुआ है। अब तन को आप बारात में ले जाओ या तन को शोक में ले जाओ, तन दोनों ही जगह समान रूप से रहेगा। हाँ। लेकिन मन बारात में खुशी से नाचेगा और शोक में दुखी हो जाएगा, है नहीं बात सही? क्योंकि मन को ये पता है ये शोक है और मन को ये पता है ये बारात है, लेकिन तन को दोनों ही अवस्था में कोई अंतर नहीं है, दोनों में ही न्यूट्रल है। कभी ध्यान ही नहीं दिया इस बात पे, गौर करके देखो। हाँ। तो तन तो बंधन मुक्त है लेकिन मन बंधनों से बंधा हुआ है। मन के बंधनों का दुष्प्रभाव तन पे आ जाता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यदि मन का बंधन ना हो तो तन बिल्कुल प्रसन्न रहता है और तन तंदुरुस्त रहता है, बस ये बात जरूर है। ये तो देखा, कभी गौर किया? दोबारा गौर करना। गौर की ये बात कि तन को देखना दोनों जगह कैसा बिहेव करता है। अब करेंगे ऐसे तो सोच के कर रहे हैं तो आज लग रहा है, ये तो हम लोगों ने सोचा ही नहीं, कभी ध्यान नहीं दिया, बल्कि मैंने तो उल्टा महसूस किया। जब मैं कभी शमशान घाट में गया जहां चिताएं जलती हैं, वहां इसमें ज्यादा ऊर्जा महसूस हुई बारात के मुकाबले। ये सही, बारात के मुकाबले क्यों? चिताएं जल रही हैं, जगह जगह शव पड़े हुए हैं, उन शवों के साथ में उनकी जो जीवात्मा है रहती है, और जैसे जैसे तन जलना शुरू होता है जीवात्मा का मोह तन से धीरे धीरे भंग होना शुरू हो जाता है, और वो जब भंग होने शुरू हो जाती है तो उसका जो प्रवाह है जीवात्मा का जो रुख है कहीं ना कहीं ईश्वर की तरफ होने लगता है, यानी कि वहां ऊर्जा का भंडार होता है शमशान घाट, क्योंकि शरीर छोड़कर चेतनाएं बाहर निकल रही हैं, वो जो ऊर्जा का मूवमेंट है वहां शमशान घाट में ज्यादा है। और इधर मनुष्यों की भीड़ में मन से प्रभावित विचार प्रेषित हो रहे हैं चारों तरफ, तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं तन पे बहुत अच्छा नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे हम धूप में भी चले जाते हैं, हम बारिश में भी चले जाते हैं, काम करना है, सर्दी में भी चले जाते हैं, थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ता है, लेकिन हमें तो काम करना है ना, हमें ना धूप से फर्क पड़ रहा है, ना बारिश से फर्क पड़ रहा है, ना ठंड से फर्क पड़ रहा है। लेकिन इतना सा अंतर जरूर देखा है मैंने, जहां मनुष्यों की भीड़ होगी वहां तन को ऊर्जा कम महसूस होगी, जहां जीवात्माएं तन छोड़ रही होंगी चिताएं जल रही होंगी तब ऊर्जा ज्यादा महसूस हो रही होगी, ये मैंने नोटिस किया। अब कोरोना के टाइम में जाना पड़ा 2-3 बार, तो खास चीज मैंने महसूस की, ऊर्जा बहुत ऊर्जा थी, क्योंकि स्थूल शरीर का त्याग करके जीवात्माएं निकल रही हैं, या उस तन के साथ चिपकी हुई जीवात्मा चिता पे चलते देख के धीरे धीरे हट रही है उससे, तो ये जो मूवमेंट है ये मूवमेंट आप फील कर सकते हो। अगर आप जागरूक हो तो सहस्त्रार हार्ट में तो करोगे ही करोगे, तन पे भी महसूस करोगे। आप देखो तो शमशान वो जगह है जहां आप आत्मा को, मतलब आत्मा का बोध ही होता है एक तरह से देखो तो, कि तन जल रहा है कहीं नहीं, तो अशुभ इतना माना जाता है संसारिक लेवल पे, लेकिन है तो वहां आत्मा का चिंतन होने लगेगा। हाँ, अपने आप ही कुदरती तौर से होने लगेगा, वातावरण ही ऐसा होता है, वहां अंदर प्रवेश करते ही लगेगा क्या रखा है जीवन में, डिटैचमेंट आना शुरू हो जाएगा।
और बाहर निकलते ही फिर अटैचमेंट पकड़ लेगा। छोटे से छोटे लोग, बड़े जाति, छोटे जाति, बड़े सब पैसे, बराबर, सब कुछ चलना है, ये वाला वहां कोई चैलेंज। भेदभाव नहीं। थोड़ा बहुत भेदभाव होता है उससे पहले के घटनाक्रम में, तो लेकिन अग्नि भेदभाव नहीं करती किसी के साथ, तो सबको समान रूप से ग्रहण करती है, अपने में लपेट लेती है। चलो आ जाओ भाई, तेरे को पुनः राख बना दूं। मट्टी का था तू, मट्टी से आया था, तुझे फिर मट्टी बना देती है, ये अग्नि कहती है। और जलता तो वाष्पीकृत हो जाता है, बड़ा इंटरेस्टिंग सीन होता है वहां पे, ये मैंने रियलाइज किया। तो बंधन तन के साथ नहीं है, बंधन मन के साथ। पूरा क्लियर। अच्छे से ध्यान दोगे तो पता लगेगा हम तन को भी मन से ही बांधे जा रहे हैं, लेकिन तन तो बंधा हुआ है नहीं। तन सदा वर्तमान में स्थित है, ये वाला। तन वर्तमान में रहता है, मन भूतकाल में रहता है। अभी ऐसे चिंतन चला, जैसे तन को दर्द है तो दर्द हो रहा है, आप जबरदस्ती उसके साथ खुशी नहीं बांट, दर्द हो रहा है, वो कह रहा है उसका। तन को बस ठंडक लग रही है, ठंडक लग रही है। तन को गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही हाँ, है, इस वर्तमान में है ना वो चीज, वो वर्तमान में है ना। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तरह से। हाँ भैया, अगर कैसी अगर बात हम है। तन का अगर हम तन की तरफ बहुत ध्यान से देखें, तो ये आपको सत्य के साथ जोड़ देगा, क्योंकि सत्य से संचालित है तन, मन असत्य से संचालित है। इंटरेस्टिंगली अचेतना दोनों के बीच में फंस जाती है, कभी ये असत्य में फंसती है तो कभी सत्य में जुड़ती है चेतना। चेतना का पेंडुलम जैसे आ रहता है, चेतना का जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है ना, कभी लेफ्ट कभी राइट। तो जो चेतना है वो कभी असत्य में तो कभी सत्य में, फिर कभी असत्य में कभी सत्य में, क्योंकि मन के कारण। लेकिन तन तन तो सदा सत्य में ही रहता है, तन तो सदा सत्य से ही जुड़ा है, इसका असत्य से कोई लेना देना नहीं है। और पूरी तरह प्रकृति के साथ एकाकार है तन तो। तो यदि कोई इंसान को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो, 1 मिनट होल्ड करना, हाँ मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल। यदि किसी का ध्यान ना लग रहा हो, किसी के अंदर विचार इतने आ रहे हैं, किसी का ध्यान नहीं लग रहा हो, तो आप कुछ सेकंड के लिए अपने तन की तरफ महसूस करना शुरू कर दो, तन को महसूस करने लगो। जस्ट ट्राई टू फील योर बॉडी, तत्क्षण ध्यान लग जाएगा, तत्क्षण। क्यों बताओ, क्यों लग जाएगा ध्यान? लाइव एंटिटी रिस्पॉन्ड, है? लाइव एंटिटी है, रिस्पॉन्ड करते हैं जब हम जहां अटेंशन। एक सेकंड, क्या बोल रहे हो? बीच में कहां से आवाज आ रही है? अंशु अग्रवाल के यहाँ से, लाइव एंटिटी है ना बॉडी, तो जैसे यस हाँ हमारा अटेंशन
जाता है तो हम सिंक में आ जाते हैं, माइंड बॉडी एंड सोल, तो उसके साथ हमें फील होने लगता है. अवर बॉडी इज द सिंथेसाइज्ड फॉर्म ऑफ लाइव एटॉम्स व्हिच हैज crores of deities. As soon as we connect with our body, we connect with the deities of the cells of our body, and immediately we feel energy. And we feel energy and we go into meditation. It is so simple. प्रैक्टिकली करके देख लो. आप शरीर का कोई भी हिस्से पे फोकस करो, किसी भी हिस्से पे फोकस करो, इमीडिएटली यू विल गेट एनर्जी. बढ़ रही है एनर्जी? हाँ जी, बढ़ गई. यस, ऊर्जा बढ़ती जा रही है. है ना इंटरेस्टिंग बात. आप कोशिश कर रहे हो हृदय में ध्यान लगाने की, शस्त्रार पे ध्यान लगाने की, पर विचार इतना तंग कर रहे हैं कि आप ध्यान नहीं लगा पा रहे. कोई बात नहीं, आप अपने बॉडी के किसी पार्ट पे अपना अटेंशन लगाओ. यू विल रियलाइज एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी यू विल रियलाइज. देखो सेंट्रल हार्ट में कितनी ऊर्जा महसूस हो रही है, खिंच रहा है सेंट्रल हार्ट, वैक्यूम बनने लग गया है. हृदयेश्वरी एडवोकेट कर रही है मेरी बातों को, वैक्यूम बन रहा है, कितना तेज वैक्यूम बनने लगा. है ना कितना विलक्षण हमारा शरीर, क्योंकि इस शरीर को अपने हाथों से मां आदि शक्ति ने बनाया है. उनके हाथ लगे हुए हैं इस शरीर पे, तो पूरा शरीर एनर्जाइज्ड है. है ना इंटरेस्टिंग? हाँ बिल्कुल नई और इंटरेस्टिंग बात. अब क्या कहते हैं, एक जब कृष्ण जी, जब विदुर कौन थे जो कृष्ण जी की गोपियों को ज्ञान देने गए थे, कौन थे वो? विदु थे, विदु थे, विदुर थे, कौन गए थे ज्ञान देने के लिए गोपियों को? कृष्ण जी की गोपियां तो उनके साकार रूप को पसंद करती थी, उनके लिए तो कृष्णा ही भगवान थे. उद्धव तो विदु थे शायद, उद्धव नाम याद. उद्धव, उद्धव, उद्धव नहीं, उद्धव थोड़ी थे, उद्धव तो उनके भाई थे, विदु थे शायद. तो उन्होंने कहा चलो मैं निर्गुण ब्रह्म की जो है इन्हें ज्ञान दे के आता हूँ, निराकार निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान दू मैं. गोपियों के पास चले गए, गोपियों को उन्होंने बताना शुरू किया तो गोपियां तो बोर हो गई उनसे, बोले हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमें तो कृष्णा ही चाहिए जो साकार स्वरूप वाला है. अब रहस्य समझ में आ गया क्यों उन्हें साकार चाहिए था. है प्रियंका? क्योंकि उनकी चेतना साकार स्वरूप पे टिक जाती थी और उस स्वरूप से ऊर्जा आती थी उन्हें. अब निर्गुण ब्रह्म पर चित्त लगाना बड़ा कठिन काम है, उसके लिए तो बहुत अच्छा अभ्यास चाहिए और कुंडली भी उठी होनी चाहिए. निर्गुण निराकार ब्रह्म पे आप तभी चित्त टिका सकते हो जब आपकी कुंडली उठी हुई हो और निर्गुण ब्रह्म के प्रति आपका अभ्यास अच्छा हो, तो आप उसको अनुभव कर सकते हो. जैसे सहजियों का ध्यान नहीं लगता शरीर के बाहर, उनका लगता ही नहीं शरीर के बाहर ध्यान, वो अपने शरीर के किसी हिस्से पे चित लगा दे
हृदय में लगाए शस्त्रार में तो लग जाएगा, वरना अगर हम कहें आकाश में ले जाएं तो नहीं लगेगा, क्योंकि वहां निर्गुण निराकार ब्रह्म उपस्थित है और उसका अभ्यास नहीं है उसको पकड़ने का। और इसको पकड़ने के लिए हमें अपने सूक्ष्मतम अस्तित्व में आना पड़ता है, ऐसे ही नहीं पकड़ सकते इसको। जैसे आज हम भ्रमण किया ना, रूटीन में हम अनकॉन्शियसली ऐसा कर रहे थे, लेकिन आज शब्दों में इस चीज को व्यक्त किया जो हम पहले करते थे हम कैसे करते हैं। तो उस निर्गुण निराकार ब्रह्म को हमारा सूक्ष्मतम अस्तित्व भी स्पर्श करता है। अब ये एक अभ्यास की चीज है, इसलिए गोपियों को समझ में नहीं आ रहा था कि कहां पता नहीं क्या बताए जा रहे हैं, हमें नहीं मतलब, हमें तो साकार कृष्णा ही चाहिए, क्योंकि उनको कॉन्टेक्ट में आती थी उनकी एनर्जी फील्ड के, उन्हें मजा आ जाता था। तो अब हम लोग अभ्यास करते 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 हमारा अभ्यास बढ़ गया तो हमारी बॉडी भी एनर्जी फील्ड के रूप में कन्वर्ट हो गई है, यानी कि हमारे एक एक सेल एनर्जी को स्प्राउट कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है, रिलीज कर रहा है, और उस रिलीज करती हुई एनर्जी से हमारा एनर्जी फील्ड तैयार हो गया है। जब हम अपने शरीर के किसी भी भाग पर टच करते हैं तो हम टच करते हैं उस एनर्जी, और उस एनर्जी के साथ में फिर हम टच करते हैं उस सेल को अपने अटेंशन से, तो उसमें तो देवी देवताओं की शक्ति काम कर रही है, वो एनर्जी 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 फील होने लगती है, क्योंकि एटॉम्स ही तो है ये, जो एटॉम्स को इकट्ठा कर दिया गया है, 33 करोड़ एटॉम्स मिलाकर एक स्थूल देह का निर्माण किया, पर एटॉम्स तो एनर्जी का फॉर्म है ना, एटॉम्स तो एनर्जी का ही तो फॉर्म है, सारे एटॉम्स गतिशील होते हैं, उनमें आदि शक्ति की शक्ति काम करती है हर एटॉम के अंदर निरंतर। तो अब इनको इकट्ठा कर दिया एटॉम्स को, तो ये एक शरीर के रूप में आ गई, लेकिन शरीर के रूप में होने के बावजूद भी गतिमान है ना, स्टैटिक नहीं है ना। और ये जो गति हो रही है के कारण हमें ऊर्जा की अनुभूति होती है, हमें शरीर के उस भाग में भी अनुभूति होती है, और उस भाग से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो हमारे शस्त्रार हार्ट में भी अनुभव होती है, हमारे अटेंशन और अवेयरनेस के जरिए। है कितना इंटरेस्टिंग कि भाई चित्त नहीं लग रहा हो तो जो प्रिय हिस्सा लगता है आपको, आपकी नाक अच्छी लगती हो, आपकी आंखें अच्छी लगती हो, आपके बाल अच्छे लगते हो, बस ब्लैंक माइंड के साथ उनके साथ कनेक्ट हो जाओ, एनर्जी आपको आने लगेगी, आपका ध्यान लग जाएगा, क्योंकि इसके अंदर अंतर्निहित जो ऊर्जा है वो आपको मिलने लगेगी, आपका ध्यान लग जाएगा। तो आसान हो गया ना प्रियंका? बहुत ही सरल सरल सहज। इसीलिए हम लोगों को पहले जो स्थिति थी आज से कुछ साल पहले देखो तो हम लोग को श्री शरण चाहिए, श्री माता जी के हृदय में चाहिए ही चाहिए, लेकिन ये स्थिति अब नहीं है। और माँ का वो बात तब समझ में नहीं आता था कि साकार से निराकार में कैसे जुड़ना है। माता जी ने कहा कि आपको साकार में चिपकना नहीं है, आपको निराकार की ओर बढ़ना है। तो जब स्टार्टिंग में सहज में आए तो हमें तो कैसे श्री माता जी के सिवा कैसे ध्यान लगाएंगे, माँ चाहिए ही ध्यान के लिए। लेकिन आज समझ में आती है बातें ना, ऐसे होगा। अब इतने दिनों से निराकार का ही तो ध्यान का अभ्यास चल रहा है। हाँ, ये कंटिन्यूअस ध्यान से पता चला निराकार निराकार। नहीं, जैसे ही हम अंतरिक्ष में, आज समझ में नहीं आ रही है, जैसे ही मिशन 1000 से जुड़े थे तभी से समझ में आया है। अच्छा, ये बातें श्री माता जी बता गई हैं, क्योंकि वो जो कॉपीज मिली थी हमें 2010 में उसी से क्लियर हुआ था। ये चीजें हैं जैसे हम चित्त को निराकार से कैसे जोड़ेंगे, धीरे धीरे अभ्यास से हुआ था वो बातें, लेकिन अब तो पूरा निराकार ही चाहिए। अब तो निराकार ही चाहिए, अब साकार में भी निराकार की अनुभूति हो रही है, यानी कि हमारा स्थूल शरीर ही, जैसे ही स्थूल शरीर में फोकस करते हैं उस शरीर से भी निराकार की अनुभूति हो रही है, यानी कि साकार भी निराकार हो गया और निराकार भी साकार हो गया। हाँ। तो आज सब एक हो गया है, साकार से निराकार, निराकार से साकार,
अब सब मिक्स हो गया है, अब सब एक हो गया, एकाकारिता स्थापित हो गई, साकार की निराकार ऊर्जा से जुड़ गए, तो साकार के साथ एकाकारिता स्थापित हो गई और निराकार के साथ भी एकाकारिता स्थापित हो गई, क्योंकि अब हम इन एटॉम्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। हर सेल में एक एनर्जी है और उस एनर्जी के साथ अब कनेक्ट हो रहे हैं, तो साकार में निराकार का आनंद आ रहा है। तो ऐसे ही आनंद कुछ गोपियों गोपिकाओं को आया करता होगा कृष्ण जी के साथ। तो उन्हें क्या चाहिए भाई, फालतू की चीजें उन्हें क्यों चाहिए फिर? अब इधर उधर का मंत्र तंत्र सब खत्म, मंत्र मंत्र लेने की जरूरत क्या, जब ऊर्जा ही ऊर्जा ऊर्जा ही ऊर्जा आपको महसूस हो रही है तो मंत्र भी खत्म। अब जब ये ऊर्जा इस स्तर की महसूस हो रही है तो कौन सी नाड़ी और चक्र बाधित हो जाएंगे, सारे ही मस्त हो रखे हैं, सब में ऊर्जा ही ऊर्जा। आप एकाकार, जब आप साकार या निराकार से ही एकाकार हो तो फिर क्या करना है? जब पृथक ही नहीं हो, आप पृथक नहीं रहे तो समस्या। अब जैसे तुमने बोला पहले हमें श्री माता जी के श्री चरण चाहिए ही चाहिए थे, क्योंकि श्री चरण दूर थे हमसे, और अब हाँ। अब क्या है, अब श्री चरणों की जो धूल है वो वही धूल हम है, श्री चरणों की जो धूल है वो हम है, अब क्या श्री चरण चाहिए, उन्हीं के साथ तो रहते हैं। अंतर समझ में आया? अब चरण रज जो है वही तो हम है। अब चरण रज को चरण चाहिए कैसे, वो तो वहीं रहती है, वहीं रहती है और क्या, अब उसे क्यों चाहिए, वो तो वहीं है। तो जो उनके चरण रज है वही तो प्रकाशित कर्ण है, और जो सदा उनके चरणों में कर्ण रहते हैं वो मुक्त कर्ण ही हो सकते हैं, जो मुक्त नहीं है वो कर्ण वहां मौजूद नहीं हो सकते हमेशा। कहां से कहां आई बात। देख लो कहां से कहां पहुंच जाते हैं, घूम फिर के एक ही जगह जाना है, चाहे श्री माता जी के श्री चरणों में रह लो तो मुक्त रहोगे, चाहे पार ब्रह्म के हृदय में चले जाओ तो मुक्त रहोगे, बात तो एक ही है। ऐसा समझ लो। अब श्री माता जी के श्री चरण के साथ रहना ऐसे है जैसे ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे हो, और पार ब्रह्म के हृदय में रहना ऐसे है जैसे छत पे आनंद ले रहे हो, घर तो एक ही है। भाई घर तो एक ही है, अपना ही घर है, कहीं भी रह लो। अब ये खत्म हो गया ना झंझट, सारी दूरी खत्म, सब चीज खत्म हो गई, अब कुछ रहा ही नहीं, नथिंग इज लेफ्ट। क्यों प्रियंका? सही है भैया, कुछ ना बचा। ग्राउंड फ्लोर का मजा लो, फिर कभी हृदय में कहे तो आप छत पे चले जाओ। हाँ, छत का लो मजा, चाहे ग्राउंड फ्लोर का लो, मजा ही मजा है। अब कोई सजा नहीं है, जो सजाएं थी वो समाप्त हो गई। भाई सजा तो एक ही जगह मिलती है, यदि आप मन के अंदर चले गए तो आपको सजा ही सजा मिलेगी। अब मन से मुक्त हो गए तो आनंद ही आनंद है, मन के बाहर स्वर्ग है और मन के भीतर नरक है, नरक है। अब सेगमेंट आसान हो गया, इजी हो गया, और क्यों प्रियंका? हाँ भैया, मैंने कहा और आसान हो गया ना। मन का मौत होना ही चाहिए, ध्यान के दो ध्यान स्थिति तभी आएगी जब मन की मौत हो जाएगी। मन की मृत्यु तो होनी आवश्यक है, मन के बिना कुछ मजा ना आए जिंदगी का, और मन के बिना मजा खूब आए परमेश्वरी का। अब जो लोगों को
परमेश्वरी का एहसास नहीं होता, वो वही लोग होते हैं जो मन में घुसे रहते हैं। मन में नहीं रहेंगे तो परमेश्वरी का पूरा मजा आएगा। क्यों? हाँ, मन का आना ही आपको दूरी ले जाता है, मन आते ही आप दूर हो जाते हैं, साकार हो निराकार, एकाकारिता पूरी कट जाती है। बिल्कुल, आज मैंने नई सेटिंग करी है थोड़ा सा आज चेंज सेटिंग का, तो अब इसमें लैपटॉप भी चालू है, ये भी चालू है, तभी तो आज तन का भी आया ना, पहले मन चल रहा था, तन मन दोनों मिला सब मिल गया ना। हाँ वही तो कहीं, आज तन पे बात हुई ना, इसलिए आज तन और मन दो बात एकाकार कर लिया दोनों को हाँ मन जैसे गायब है ना, लैपटॉप वाला मन दिख नहीं रहा, सिर्फ मोबाइल वाला मोबाइल से सिर्फ तन दिख रहा है, मन आपका मर्ज हो चुका है यस अभी जब से और कोई वर्कशॉप से आए तो एक मैंने दो एक चीजें मैंने महसूस की कि क्या जैसे अभी ना सेल्फ काउंसलिंग बहुत अच्छी होती है, जैसे आप कोई चिंता में नहीं हो, वरिड नहीं हो, नीदर यू आर सीकिंग एन आंसर, पर एक थॉट आया या एक चीज आई, फिर अंदर से बातचीत, दो जन अंदर बात कर रहे हैं कि इसकी जरूरत तो नहीं है क्योंकि फिर तुम्हें ये दिक्कत आएगी, तो वो संसारिक ही था जो थॉट आया था, तो इससे बेटर है तुम ये वाला ऑप्शन ले लो, ये वैसे ही रहेगा तुम्हारे लिए। तो मैं सोच रही हूँ हाँ, और फिर मेरे अंदर समाधान घटित हो गया। तो इस तरीके से ना दो तीन चीजें संसार के लेवल पे थी और बात ऐसे हो रही है जैसे मैं दोनों को देख रही हूँ, कोई बात कर रहा है, एक जना बात कर रहा है फिर दूसरा जना, और एक समाधान की अवस्था आती जा रही है। तो ये और बहुत क्विक हो रहा है, ऐसे नहीं कि मैंने आंसर डाला और मैं खोज रही हूँ, अपने आप एक चीज आई दूसरे साथ उसका आंसर आ गया, ये दोनों चीजें बहुत सुंदर घटित हुई, तो अच्छा लगा मुझे। पहले हम बैठ के देखते थे, खुद को समझाते थे, खुद से हो रहा है ऑटोमेटिक। दैट विल बी गुड। परिवर्तन महसूस किया? संभव बढ़ रहा है और पीस एनहांस हो रही है और मेडिटेटिव स्टेट में रह रहे हैं। एक अभी जैसे जॉय में नहीं कह सकती, निर्वाज्य प्रेम एक हर एक बीइंग के लिए बढ़ गया, पहले ऑफ ऑन होता था, अब जैसे ट्रीज है, नेचर है, लोग हैं, सबके लिए एक प्रेम बह रहा है और निरंतर, ये अंतर महसूस किया। और मेडिटेशन में भी जैसे मतलब सहस्त्रार पे और ज्यादा पुल और कंटिन्यूटी महसूस की, काम के वक्त आप अपने अकेले में हो कभी भी, मतलब बेटर स्टेट तो डेफिनेटली है ये चीज। ओके, कुल मिला के मजा आ रहा है। हाँ जी, एंजॉयिंग। यस आई एम। और कोई अपने उद्गार प्रकट करना चाहे? एक सेकंड होल्ड करना। हाँ जी, और कोई आना चाहता है सामने?
अपने अनुभव शेयर करने हैं? जय श्री माता जी। बहन जी, वर्कशॉप से आने के बाद बहुत परिवर्तन महसूस होता है। मेरे को तो ऐसे लगता है संसार में रहते हुए भी ना मैं नहीं हूँ उसमें, मतलब काम कर रही हूँ बट मेरा चित चेतना कहाँ है, अभी भी जैसे वर्कशॉप में ही है, उसी कलेक्टिविटी में है, उस एनर्जी जोन में हूँ, यही फील होता है। और मेरे को ऐसे लगे कि जैसे मेरी आवाज भी बहुत धीमी कम हो गई है, अंदर को खींच गई है। अभी भी ये सेशन स्टार्ट होने से पहले कुछ गेस्ट आए हुए थे, उनके साथ बैठी हुई हूँ, बट मैं एकदम शांत हूँ। जैसे एक होती ना, जैसे आपने कहा एक समाधि की अवस्था, उस अवस्था में बैठी हुई हूँ उनके साथ, उनके साथ हूँ भी और नहीं भी हूँ। मतलब अपने आप को सोच रही थी मैं किस अवस्था में बैठी हुई हूँ। कई बार लगता कि मतलब आश्चर्य भी होता है पर उसमें आनंद बहुत आ रहा है। ऐसे लगता है कि अब हमें कोई डिस्टर्ब करता भी नहीं और ना ही हम होना चाहते हैं, तो अगर ऐसा कुछ होता भी है तो हम बिल्कुल शांत रहते हैं। अगर बाहर कुछ शोर शराबा है ना, तो उसमें भी हम अपना बचाव कर लेते हैं कि एकदम शांति है, आप बोल नहीं रहे हो, शांत हो, आनंद में भी हो, इस तरह की चीजें। और दूसरा भी है, बहुत सारी कंडीशनिंग टूटी, बहुत सारी, और अब वो वापिस नहीं आएंगी। ऐसी चीजें जो निकली है ना, बड़ी फ्रीडम महसूस कर रहे हैं, मुक्त अवस्था का मतलब ऐसा लगता है स्टार्ट हो गई हमारी, तो उस वजह से भी बिल्कुल अंदर से खाली महसूस होता है उसकी वजह से। नेक्स्ट हम तैयारी कर रहे हैं कि जैसे आपने कहा था कंडीशनिंग जब खत्म हो जाएगी तब श्री कल्कि जी ऐसे माध्यमों से कार्य लेंगी, तो उसके लिए ये भी बात है। उसके लिए भी प्रेयर है कि उसके लिए वर्क करना है हमें, अपने पर और ज्यादा कार्य करना है। देखिए कंडीशनिंग रहने से उनकी वो हमारा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे निश्चित रूप से, ये समझ आई। जब तक निर्बंध नहीं होंगे तब तक वो हमें अपना अनुचर नहीं बनाएंगे निश्चित रूप से। वो प्रकट कैसे होंगे? मुक्त चेतनाओं के भाल से ही तो मुक्त होना है, उन्होंने प्रकट होना है। तो मुक्त होना इसलिए आवश्यक है कि ताकि श्री कल्कि अपना कार्य संपन्न कर सके। तो ये बहुत आवश्यक है, जितना मुक्त होते चले जाएंगे आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि घटनाएं कुछ और ही तरीके से घटित होने लगी है, जीवन बिल्कुल बदल रहा है। हां जी, इको आ रहा आपके यहाँ से? मेरे यहाँ से इको कैसे आ गया? मेरे यहाँ से तो नहीं है, कहीं और से डिस्टरबेंस है। जस्टिन आप ही क्या से? मेरे यहाँ से कैसे आएगा, ये तो बंद कर रखा है, सब बंद पड़ा है। आ तो वहीं से रहा है, लेकिन कैसे, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, कोई आवाज नहीं आ रही, कुछ भी नहीं हो रहा। एज इट इज स्थितियां हैं जैसे पहले थी। आप बोलिए बहन जी। यही फील कर रहे थे। हाँ जी, ये जो बताया वही फील कर रहे ना कि इतना अंदर शांति महसूस हो रही है कि ऐसे लगता है कि हम बिल्कुल क्वाइट हो गए हैं, ना ज्यादा बोलने को मन करता है, ना किसी में खपने को दिल करता है, काम भी कर रहे हैं पर अंदर वो शांति, वो जुड़ाव महसूस करते हैं। अब लगता है कि अब हम मतलब
जैसे अभ्यास कर रहे थे ना 24 आवर्स हम रहते हैं, कई बार लगता है कि सचमुच हम इस योग्य बन गए हैं, कई बार ऐसा ही लगता है कि हम ध्यान में रह रहे हैं, कर नहीं रहे पर ध्यान में रह रहे हैं, क्योंकि अंदर भी जो संवाद चल रहे हैं, अंदर भी जो बातचीत चल रही है अच्छी वाली डिवाइन वाली वो भी चल रहा है उसका बहुत मजा आता है। और ध्यान में तो एक अलग ही अब एनर्जी भी फील होती है, बहुत अलग सा होने लग गया है। जब अंदर संवाद चलने शुरू हो जाए ना तो समझ लीजिए बहुत अच्छी शुरुआत हो रही है। संवाद होना बहुत आवश्यक है, होता पहले भी था पर इतना फ्रीक्वेंटली नहीं होता था, इतनी क्लैरिटी नहीं होती थी। अब इस सेशन के बाद जैसे वहां अभ्यास किया उसके बाद कुछ लगा कि कुछ फास्ट और क्लैरिटी के साथ हो रहा है, अब हम उसको आसानी से समझ पा रहे हैं बहुत क्लियर कराया ना आपने वहां पे आप सब लोग जो एकत्रित हुए, आप सबकी जो चेतनाएं चाहती थी वो वहां हुआ। और जो साथ में भी कोई ध्यान कर रहा है ना तो उसकी उसको भी ये अवस्था महसूस हो रही है भैया, उनके अंदर भी ये चीज बड़ी इजीली ट्रांसफर हो रही है, ये भी बहुत अच्छा मजेदार लगा। अब आप अपने रूम में अगरबत्ती जलाएंगे तो उसकी खुशबू बाकी के पड़ोस के रूम में तो जाएगी, खाली अपने कमरे तक सीमित नहीं रहेगी खुशबू, दरवाजे की झिर्रियों से निकल निकल कर वो खुशबू दूसरी जगह जाएगी। ये इतना प्रेम वहां से हम बटोर के लाए हैं ना, मतलब हर बैठ के, तो जब भी बैठते हो बस यही होता है कि ये प्रेम पूरे यूनिवर्स में फैलता ही चला जाए। फिर मतलब जब भी जीत जाता है ना तो इस तरह से ही जाता है कि ये नफरतें खत्म हो जाए, ये इतना डोमिनेशन, इतना पाप, अत्याचार, ये सब समाप्त करती है। प्रेम की शक्ति बहुत कुछ कर सकती है। मैं तो बैठे बैठे यही करती हूँ कि ये पूरे यूनिवर्स में इतने लोगों के हृदय का प्रेम पूरे दुनिया को बदल दे, ये जो इतनी नफरतें धर्म के नाम पे इतना कुछ हो रहा है ये सब कुछ परिवर्तित कर सकता है। ऐसे ऐसे भाव आते रहते हैं तो पूरा यूनिवर्स इस प्रेम से भर जाए। काश ऐसा हो जाए, लेकिन होना शुरू हो गया है ये खुशी की बात है। सबसे अच्छी बात है कि होना शुरू हो गया है। ओके, शुरू कैसे? भाई ये सब जा रहा है ना आसपास में, चीजें आप बता रहे हैं ना अभी कि जाने लगा है, लाभ होने लगा है लोगों को। यही तो बात है खुशी की। अभी आपने वीडियो देखे, कैसा महसूस किया 9th वर्कशॉप जी? दोबारा उसी, अभी तो उसमें निकले नहीं, दोबारा फिर से वो फ्रेश हो गई ना वो सारी चीजें, तो और भी भैया उसके बाद सुनने के बाद और ज्यादा क्लैरिटी लगती है। लगता है अभी तो मतलब इस बार मुझे लगा बड़ी जल्दी ये वीडियोस आ गए हैं, अभी हम आए हैं। मैं तो सोच रही थी अभी एक दो महीने लगेंगे तब आएंगे वीडियो तो इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर कोई चीज छूट भी गई है ना तो वो फिर उसमें कुछ चीजें कई बार हमें लगता है हमने शायद मिस की है, पर वो सुन के फिर वो फ्रेश हो जाता है। तो वही सभी का फोकस जिसके अंदर जो जो था उसको मिला, ये चीजें महसूस की उसमें, हर किसी के अंदर के अलग क्वेरीज थी, हर किसी की जिज्ञासा।